जुए का खेल खेलते थे राजा नल पुष्कर के साथ में। जब राजा नल जुए में जीतते थे तो सारा जितना भी राजपाट महल हवेली धन दौलत होते थे पुष्कर का वापस कर देते थे। लेकिन एक दिन समय ऐसा बिगड़ा राजा नल का कि जुए के खेल में राजा नल की हार हो जाती है और पुष्कर ने यह कह दिया कि ये जितनी भी धन दौलत है, जितना भी मान खजाना है, जितना भी राजपाट है, मेरा है। आप राज से बाहर हो जाओ। प्रेमी श्रोताओ, पुष्कर ने सब कुछ जुए में जीत लिया। राजा नल और दमयंती दोनों बच्चों को लेकर राज से बाहर हो जाते हैं। राज से बाहर हुए, थोड़ी दूर चले तो दोनों बच्चे इंदर और इंदर, इंद्रसेन और इंद्रावती भूख से व्याकुल हो गए। राजा नल ने यह कहा कि रानी, अरे जुए का खेल मैंने खेला है तो इसकी सजा भी मैं ही भुगतूंगा। तुम एक काम करो, दोनों बच्चों को लेकर अपने पीहर चली जाओ। यूं कहने लगी रानी दमयंती की, पियाजी, अरे मैंने अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लिए आपके साथ में, जीने मरने की कसम उठाई है, आज मैं दुख के समय में आपका साथ छोड़कर नहीं जाऊंगी। प्रेमी श्रोताओं, दोनों बच्चों को कुंदनपुर को भेज दिया। रानी दमयंती और राजा नल बियाबान जंगल में धक्के खाते घूम रहे हैं। कई रोज हो गए चलते चलते बियाबान जंगल में फिरते फिरते, अब रानी दमयंती के शरीर में इतनी ताकत नहीं रही जो दो कदम भी चल सके। भूख से व्याकुल है रानी दमयंती। यूं कहने लगी, पियाजी अब आगे नहीं चला जाएगा, मेरे खाने का इंतजाम कीजिए। प्रेमी श्रोता, आसमान में दो तीतर उड़े जा रहे थे। राजा नल ने यह सोचा कि रानी दमयंती को भूख लगी हुई है और बियाबान जंगल में दूर दूर तक कुछ भी खाने के लिए दिखाई नहीं देता, अरे तू इन तीतरों को पकड़ और इन तीतरों को मार के रानी दमयंती का भोजन बनाना। प्रेमी श्रोताओ, तन के ऊपर एक धोती लपेट रखी थी राजा नल ने, उस धोती को जैसे ही खोल के तीतरों के लिए फेंका पकड़ने के लिए, तो ये समय का खेल है, आज वो तीतर राजा नल की उस धोती को भी लेके उड़ जाते हैं। राजा नगन उघाड़ा खड़ा रह गया, एक बीड़े की जड़ में खड़े हैं। दमयंती ये कहने लगी, पियाजी भूख लगी हुई है, आप तीतर पकड़ने गए थे, क्या हुआ? तो यूं कहने लगे राजा नल कि मेरी धोती लेके तीतर उड़ गए, मैं देख तमाशा दंग हो गया। अरे आंख मिचले दमयंती, मैं कति उघाड़ा दंग हो गया। रानी, मेरे शरीर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं है और मैं तेरे सामने जब आऊंगा, पहले आप अपनी साड़ी का आधा हिस्सा काट कर मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपना ये तन ढक सकूं। प्रेमी श्रोताओ, रात का वक्त है, रानी दमयंती की आंखें लग गई और राजा नल ने ये सोचा कि कहां ये धक्के खाएगी, तू इसे यहीं पर छोड़ चल, आगे जो तेरी किस्मत में होगा वो तू अपने आप देख लेना। सोती हुई को छोड़कर चले गए राजा नल और जैसे ही रानी दमयंती की आंखें खुली तो चारों तरफ हाय पियाजी, हाय पियाजी, हाय पियाजी करती डोल रही है, लेकिन पियाजी कहीं नजर नहीं आए। जब बहुत देर हो गई पियाजी को ढूंढते ढूंढते, तो दादा लक्ष्मी चंद जी ने अपनी कलम उठाई और इस रागनी को लिखा, सुनिए। हे रे बहुत देर का अरसा हो गया, फिर सोती सी आगी, पेड़ा पेड़ा चाल पट्टी ने वन में सोने लागी, वन में सोने लागी।
काट के ना गेरे ते करत पना के उसे करत पना के उसे मरद वीर ने छोड़ भाग जा मरद पना के उसे मरद पना के उसे हर जति पति ने मैं पति वरता जति पति ने मैं पति वरता दुलते त्यागी पेड़ा पेड़ा दल पति ने मन में तोड़ने लागी नहीं मिला जब हाय पति जी नहीं मिला जब
लागी खोसनी पति बताया करता वन दी पोसनी।